टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1950 से 1990 के बीच में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, बट इन 1991 गवर्नमेंट हैज टू चेंज इट्स पॉलिसी। नाउ दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नॉन एज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने एक मिक्स सिस्टम फॉलो किया था, मिक्स इकोनॉमी, जिसमें कि जो मार्केट इकोनॉमी है और जो प्लान्ड इकोनॉमी है दोनों के बेनिफिट्स उठाए गए। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया और उसके ऊपर बहुत से रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से इंडिया को इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े, जिसमें सबसे पहली बात है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। 1951 से 1990 तक ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं, लगभग 17 इंडस्ट्रीज जो हैं, दे वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, लेकिन वहां पे पिलफरेज की वजह से, करप्शन की वजह से, इन सब कारणों से जो है पब्लिक सेक्टर में जो है ज्यादा बेनिफिट्स नहीं हो पाए एंड गवर्नमेंट दीज बिजनेस इज इनकरिंग अ लॉसेज टू द गवर्नमेंट ड्यू टू विच द गवर्नमेंट हैज टू चेंज इट्स पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत नेगेटिव हो गया था हमारा, हमारे रिसिप्ट जो हैं फ्रॉम एक्सपोर्ट्स वो बहुत कम थी, इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंडियन रूपी के प्राइजेस हाई प्राइजेस होने की वजह से जो है और लो क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए और इम्पोर्ट्स ज्यादा थे, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होने की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्राइड अप हो गए। थर्ड है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी था क्योंकि प्रोडक्शन जितना हो रहा था उसके मुकाबले में डिमांड बहुत ज्यादा थी और जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था मनी सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स की वजह से। मनी सप्लाई लगातार बढ़ाई जा रही थी जिसकी वजह से प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। फॉल इन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी बहुत भारी कमी आई क्योंकि जो इम्पोर्ट के बड़े बड़े बिल थे उनको पेमेंट करने में हमारे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट को फोर्सफुली डेवलप्ड नेशन से लोन लेना पड़ा, वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेने की वजह से उन्होंने कंडीशनल लोन प्रोवाइड किया। दे फोर्स इंडियन गवर्नमेंट दैट यू हैव टू चेंज यूर इकोनॉमिक पॉलिसी सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द फंड्स, अदरवाइज नो फंड विल बी प्रोवाइडेड, नो लोन्स विल बी गिवन। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स का बहुत बड़ा बर्डन हमारी सरकार के ऊपर पड़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा थे, रेवेन्यू रिसीव्स बहुत कम थी, जिसकी वजह से जो है हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को और हमारे देश की गवर्नमेंट को दूसरे देशों से लोन लेना पड़ा। उस बर्डन को देखते हुए फाइनली फोर्सफुली इंडियन गवर्नमेंट हैज टू फेस द पॉलिसी, हैव टू चेंज द पॉलिसी। इसके अलावा जो मिसमैनेजमेंट था, जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है जनरेट नहीं कर पाई इनफ रेवेन्यूज कि वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को इनकर कर सके और वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं था। फाइनली द गवर्नमेंट हैज टू चेंज द पॉलिसी अंडर द प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड नेशंस लाइक अमेरिका। नाउ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इसका मेन मुद्दा था, द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू मेक द इंडियन इकोनॉमी मोर कॉम्पिटेटिव सो दैट इट कैन कम्पीट विद द फॉरन कंट्रीज, एंड सेकेंड द फॉरन कंट्रीज वॉन्ट टू रिमूव द बैरियर्स विच आर इम्पोज बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फॉरन फर्म्स। सो फॉर दीज टू पर्पसेज द गवर्नमेंट फोर्स द फॉरन कंट्रीज फोर्स अस टू चेंज द पॉलिसी। इस पॉलिसी के तीन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नाउ लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। पहले प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एज यू नो के लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दीज फॉरेन कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर, बट लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में जो है ये जो एंट्री बैरियर्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उनको रिमूव कर दिया गया और फ्री प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया कि वो भी हमारे देश में आके प्रोडक्शन कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी को मोर कॉम्पिटेटिव बना सकते हैं। इसमें कमर्शियल हाउसेज को फ्री हैंड दिया गया कि वो अपना बिजनेस अपनी मर्जी से रन कर सके। इसके अलावा पर्पस था इंडियन इकोनॉमी का कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एनकरेज किया जाए कि वो इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सके
और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अब आए हमारे देश में आए, इन्वेस्टमेंट करें और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। इसके अलावा कंपटीशन जो है, इट इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी, उसके लिए जो ताकि जो है एफिशिएंसी लाई जा सके, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। फॉर दिस पर्पसेस गवर्नमेंट इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। प्रायर टू 1990 ऑल द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट फर्म्स हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। लेकिन इस पॉलिसी में लिबरलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने इस लाइसेंस की पॉलिसी को, लाइसेंस को रिमूव कर दिया। सिर्फ कुछ 6 बिजनेसेस थे जिनमें की गवर्नमेंट ने लाइसेंस की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस वर फ्री फ्रॉम द लाइसेंसिंग पॉलिसी। किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में, न्यू बिजनेस यूनिट सेटअप करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना, कि पहले आप मान लो एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, आप दूसरी तरह के प्रोडक्शन में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो भी अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा जो है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया गया। जो पहले 17 इंडस्ट्रीज विच वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, दे हैव बीन रिड्यूस टू 3 ओनली, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और इसके अलावा रेलवे। ये 3 ही एरियाज रहे जिनको कि पब्लिक सेक्टर में रखा गया। इसके अलावा बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। उसके अलावा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1950 से 1990 तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सी एरियाज ऑफ प्रोडक्शन जो है रिजर्व किए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इस पॉलिसी में इस रिस्ट्रिक्शन को भी सरकार ने रिमूव कर दिया कि जिन चीजों का पहले प्रोडक्शन स्मॉल स्केल में हो सकता था, अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी इस एरिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट लाया गया, जिसमें कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं वो स्मॉल कंपनीज को अपने मार्केट में से हटा देती हैं, तो इस एक्ट को भी एनफोर्स किया गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम। द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज स्केल कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग, मर्जर, एमलगेशन एक्सेट्रा वर एलिमिनेटेड। ये सब चीजें हटा दी गई। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में दो ही बातें हैं। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल को फैसिलिटेटर के रूप में टर्न कर दिया गया, जबकि वो पहले कंट्रोलर माना जाता था। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन हैं, फॉरन एक्सचेंज मार्केट है, ये सारा का सारा फाइनेंशियल सेक्टर अर्लियर इट वॉज विद इन द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई कंट्रोलर का काम करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे चेंज किया। गवर्नमेंट हैज चेंज द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम द कंट्रोलर टू रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, कि आपको फाइनेंशियल मैटर पे कुछ ऑटोनॉमी दी गई कमर्शियल बैंक्स को, कि दे कैन टेक देयर डिसीजंस बाय देयर ओन। प्राइवेट बैंक्स जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे इंडिया में, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, जो अर्लियर इट वॉज ओनली अप टू 49%, इट वॉज रेज टू 51%। इट मीन्स द गवर्नमेंट वॉन्ट टू गिव द कंट्रोल राइट, ओनरशिप राइट टू द फॉरेन कंपनीज। इसके अलावा एक्सपेंशन प्रोसेस को भी इजी किया गया सरकार के द्वारा। बैंक वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप द न्यू ब्रांचेस आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल को फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स में चेंज किया गया। प्राइवेट बैंकों का ओरिजिन हुआ इसमें। एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान किया गया। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज की जो लिमिट थी उसको भी इंक्रीज किया गया। इस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में एक ड्रास्टिक चेंज इस पॉलिसी के अंदर लाया गया। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स की बात वो करता है। टैक्स रिफॉर्म्स में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले इनको रेट ऑफ टैक्स जो है पहले बहुत हाई हुआ करती थी, उसको रिड्यूस किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के लिए टैक्स की हैबिट इनकलकेट की जा सके, ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास हो। अर्लियर लोग जो है टैक्स इवेजन करते थे, अब लोग टैक्स प्लान करते हैं। चोरी की बजाय टैक्स को प्लानिंग करने की आदत लोगों में डली है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें भी रिफॉर्म्स लाए गए। पहले बहुत तरह के टैक्स लगा करते थे, उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी फैसिलिटेट किया गया नेशनल मार्केट में।
इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस प्रोसेस को बहुत आसान बनाया गया। अगर आपको टैक्स भरना होता था पहले तो बहुत सारे सेक्शन सब सेक्शन हुआ करते थे और वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, एक आम आदमी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता था। लेकिन जो टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को इतना सरल इजी कर दिया कि एक आम आदमी अपनी इनकम का असेसमेंट अपने आप कर सकता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हैं इसमें, उसमें इंडियन रूपी को डीवेल्युएट किया गया ताकि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन अब मार्केट रेट के हिसाब से होता है, मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं। अर्लियर इट वॉज टोटली कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई बट नाउ इट वॉज गिवन टू द मार्केट फोर्सेज, इट वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज। इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसमें जो रिमूवल था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड पे कि दूसरे देशों से आप कितना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो कितना इम्पोर्ट कर सकते हो, पहले कोटा फिक्स था उस कोटा को भी हटाया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव किया गया या उनकी रेट ऑफ टैक्स को कम कर दिया गया, इम्पोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम है जो पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था उसको भी आसान बनाया गया। तो दीज आर द वेरियस पॉलिसी इश्यूज रिगार्डिंग द लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में किसी भी तरह के रिफॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दैट। थैंक यू सो मच।